जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ हाजिर हुआ एक नई और बहुत ही पुरानी मस्जिद के पास, जो कि वाकई हमारे सूबे सिंध के आखिरी शहर पाकिस्तान के नंगर पार्कर में, ये हर पार्कर में आ जाता है। और इस मस्जिद का नाम जो है वाइट ब्यूटीफुल मॉस्क्यू है। ये यहाँ पे आके जो मुझे पता चला और बोर्ड्स पे लगा हुआ था जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि ये 300 साल पुरानी मस्जिद है, तो आए चले मैं आपको अंदर मस्जिद का भी इंतजार कर रहा था। कैसे हाथ से जड़ाई की गई थी 300 साल पहले, तो आ जाए हम चलते मस्जिद की। जी तो आप देख सकते हैं ये जैसे जड़ावट सारी हाथ से बनी हुई है 300 साल पहले। तो अभी भाई आज दिखाएंगे ये जड़ावट जो की गई थी सारी हाथ की गई है। तो मैं आपको खुद दिखाता हूँ कि कितने वो लोग जहीन लोग थे जिन्होंने सारी चीज़ हाथ से बनाई थी। कोई मटेरियल नहीं था उनके पास, कोई ऐसी उस दौर की मॉडर्न चीज़ नहीं थी। मैं आपको अंदर का क्लोजअप भी दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि संगमरमर के हाथों से बनाया गया था। संगमरमर के बुनियाद से इनकी पिलर्स वगैरह बने हुए हैं। 300 साल पुरानी मास्क है ये, वाइट मास्क के नाम से बहुत ही मशहूर है। आप यहाँ पे मुलाजा कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी। और दूसरी जो चीज ये सारी आप देख सकते हैं जंग मरमर के चीज़ हाथ से बनाई गई, संगे मरमर से बनाई गई सारी। ये जो आप ऊपर का देख सकते हैं गुंबज का ऊपर का मीनार, ये सारा हाथ से जड़ावर की गई। अभी थोड़ी सी लाइटिंग लाइट जो ना अभी दिन ख़त्म होने वाला, तो जितना हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो जैसे कि मैंने आज आपको बताया ये नंगर पार्कर में वाक़ है मस्जिद 300 साल पुरानी, जिसको ब्यूटीफुल वाइट मास्क बोला जाता है। यहाँ पे ये भी चीज़ मशहूर थी कि यहाँ पे कुछ जिन्नात वगैरह भी थे पहले 300 साल पहले, लेकिन जैसे जैसे लोगों का शुरू बढ़ता गया यहाँ पे आमदरफ होने लगी लोगों की, तो यहाँ पर वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। तो मैं आपका दोस्त मोहम्मद लतीफ़ आज आपसे जल्द चाहता हूँ दोबारा मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। अल्लाह ने के बाद।